नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। अगर आप 2023 एंड 2022 बैच के बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं भैया, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं और पैकेज पूरे 5 लाख का भाई। तो घर बैठे बैठे 5 लाख रुपए कमा सकते हो। कोई 60% का क्राइटेरिया नहीं है भैया, कोई भी आईटी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के हो या सीएसआईटी के भी हो भैया, आपके पास आईटी स्किल्स नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। Revolut बेसिकली आप लोगों को हायर कर रही है भाई। कंपनी की वेबसाइट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार आप क्लिक करके देखिएगा। ये मनी मैनेजमेंट का काम करते हैं बेसिकली। जो Revolut का ऐप है उसकी हेल्प से आप अपना मनी मैनेज कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा भाई। तो भाई वापस से अपन मुद्दे पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दो बहुत बड़े बेनिफिट यहाँ पर है भाई। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है भाई, यहाँ पर जो जॉब रोल होने वाली है वो सपोर्ट स्पेशलिस्ट की होने वाली है। इसका मतलब आपने स्विगी, जोमेटो वगैरह में देखा होगा जो कस्टमर सपोर्ट होते हैं, अमेजोन में देखा होगा जो कस्टमर सपोर्ट होते हैं, राइट, जो कस्टमर्स की क्वेरी को रिजोल्व कर रहे होते हैं, तो वो वाली जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, घर से काम करना है, तो साथ साथ में आप साइड बाय साइड अपनी आगे की प्रिपरेशन, दूसरी कंपनीज की प्रिपरेशन, गेट कैट या जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो कर सकते हो, और साथ में आपको पैसा भी मिलने लगेगा। रिसेशन का टाइम है, आपकी जॉब नहीं लगी है भैया, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि घर पे खाली बैठोगे आपका गैप काउंट होने लगेगा, ईयर गैप, लेकिन घर पे बैठ करके आप काम करोगे किसी कंपनी में तो वो एक्सपीरियंस काउंट होने लगेगा, जो कि आगे आपको और कंपनीज में अप्लाई करते समय डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा सैलरी, जॉब रोल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या जॉब लोकेशन है, क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम डेट, प्रोसेस, और पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा भाई और पूरा प्रोसेस देखिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलो, तो सैलरी पैकेज 4.8 लाख टू 5.1 लाख के आसपास होने वाली है आपकी, इन दो इसके बीच में ही होने वाली है, ठीक है। जॉब रोल आपका सपोर्ट स्पेशलिस्ट का होने वाला है भाई, आपको केवाईसी एंड एटीओ सपोर्ट देना पड़ेगा, केवाईसी रिलेटेड क्वेरीज में लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी बेसिकली, और इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे, ठीक है भाई। अब डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले भाई, अगर आप एलिजिबल बैठते हो तो मेक श्योर बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से सिंसियरली प्रिपरेशन करना भाई। प्रिपरेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मेरा प्लेसमेंट हुआ कोर्स दिखेगा भाई, इसको चेक कर सकते हो, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल रही होंगी, तो जगह जगह आपको अलग अलग चीजें नहीं पढ़ना प्लेसमेंट के लिए, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल रहा होता है, पूरा कोर्स आपको खत्म करना होता है बस, ठीक है। तो आपको नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उनको कॉल करके कोर्स की डिटेल जान सकते हो। वीडियो के एंड में भी आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल मिल जाने वाली है, ठीक है भाई। अब क्या क्या डिग्री एलिजिबल है भाई, आपने कोई भी बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी हो जिसको बैचलर्स डिग्री की मान्यता मिलती है भाई, वो बीई, बीटेक, बीसीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम या कोई भी बैचलर डिग्री हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2023 या 2022 बैच के बच्चे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सारी ब्रांचेस एंड सारे कॉलेजेस यहाँ पर अलाउड है, कोई 60% क्राइटेरिया नहीं है, कोई ईयर गैप का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बैकलॉग का क्राइटेरिया नहीं है। 10th 12th में 60% से कम है, ग्रेजुएशन में 60% से कम है, बैक लगी पड़ी है, 2-3 साल का ईयर गैप है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर आप एलिजिबल होते हो वेल एंड गुड है, नहीं होते हो तो एक मैंने जॉब अपडेट की प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत सारी कंपनीज आपके बैच के लिए हायर कर रही है, मेक श्योर उसको देखना, उसमें अप्लाई करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर इसमें एलिजिबल भी होते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद बाकी जॉब्स में भी अप्लाई कर देना, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है भाई, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए अच्छे से भाई, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, है ना, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए भाई, अच्छी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, एंड थोड़ी बहुत आपको आईटी स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो बेसिक यार कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, है ना, कुल मिलाकर के तो बिल्कुल बेसिक रिक्वायर्ड स्किल्स हम सबके अंदर ये होती है भाई। क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई, तो जो इन ऐप लाइव चैट होता है भाई, यूजर्स जब वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, आपके ऐप पे साइन अप करते हैं, तो यूजर्स का एक्सपीरियंस बेटर, उनको कोई भी दिक्कत ना हो तो आप इनके यूजर्स को हेल्प कर रहे होगे, ठीक है। उसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट जो यूजर सेंड करेंगे उसको आप एनालाइज कर रहे होगे और उसके डेटा को आप प्रोसेस कर रहे होगे, है ना। उसके बाद आप Revolut की ऑनलाइन टीम्स, है ना, को ऑनलाइन जो है Revolut को आप हमेशा जो उनका कस्टमर सपोर्ट है, जो ऑनलाइन Revolut ऑनलाइन है जहां पर कस्टमर सपोर्ट पर आप क्वेरी डाल सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होगे, और लंदन, मस्काओ, पोर्टो एंड लुथानिया में इनकी टीम है, कस्टमर्स के जो भी इश्यूज आ रहे होंगे
उनको आप साथ मिलकर के रिजोल्व कर रहे होगे। तो जॉब लोकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिमोट है, घर से आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन यार जल्दी ही अप्लाई कर देना सो दैट अपॉर्चुनिटी क्लोज होने के पहले आप रजिस्टर्ड हो जाओ। हायरिंग प्रोसेस, सबसे पहले आप अपना रेज्यूम सबमिट करोगे या आपका रेज्यूम वेरीफाई करेंगे, है ना। ये रेज्यूम आपका जैसे ही वेरीफाई करते हैं उसके बाद ये एग्जाम और डायरेक्ट इंटरव्यू, या तो ये आपका एग्जाम लेंगे पहले या तो ये आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर के आपको जॉब दे देने वाले हैं। भाई अगर एग्जाम होता है तो क्या पैटर्न है उसको एक बार आप गूगल सर्च कर लीजिए, ड्राइव के अंदर कोई भी एग्जाम पैटर्न मेंशन नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा, गूगल पे इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लीजिएगा, है ना, और गूगल पे आप इनका एग्जाम पैटर्न देख लीजिएगा ना, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बढ़िया सा रेज्यूम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका रेज्यूम ही वेरीफाई नहीं होगा तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। मेरा 9 आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि मेरा रेज्यूम बहुत अच्छा था, तो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर, आपको कंप्लीट रेज्यूम प्रिपरेशन भी मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करोगे और आप मेरे साथ साथ अप्लाई करते चलोगे, ठीक है। तो पूरा अप्लाई प्रोसेस देखते हैं, उसके पहले भाई जल्दी से मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूँ। अगर आपको कोर्स की डिटेल पता है ऑलरेडी या कोर्स परचेस कर चुके हो तो वीडियो को आप 1 से 1.5 मिनट स्किप कर देना, ठीक है। मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर, आपको एक ही जगह बेटा सब कुछ मिल रहा होता है, कंप्लीट एप्टीट्यूड, कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट वर्बल एबिलिटी, हर प्लेसमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। कोडिंग में C++, जावा, पाइथन मिल रहा होता है, कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल रहा होता है। पूरा रेज्यूम इंटरव्यू की ट्रेनिंग में आपको दे रहा होता हूँ, आपका रेज्यूम भी मैं बनवा रहा होता हूँ, आपका मॉक इंटरव्यू मैं ले रहा होता हूँ, मॉक इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक कॉल भी मैं दे रहा होता हूँ कि इंटरव्यू में आपने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बेकार किया, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो गलतियां आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू में करने वाले होते हो वो आप मॉक इंटरव्यू में कर लेते हो, सो दैट आपका एक्चुअल इंटरव्यू अच्छा जाता है। सारी मेगा आईटी कंपनीज के कोर्सेज प्रेजेंट है इसमें, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फीटीक्यू, हेक्सावेल, LTI, MCAT, राइट। मेक श्योर इसमें कंपनीज के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रेजेंट है भाई, जहां से प्रीवियस ईयर पेपर से आपका एक्चुअल पेपर उठ करके आ जाता है। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन है, 1 मंथ वैलिडिटी, 1 ईयर वैलिडिटी, 2 ईयर वैलिडिटी, एक इसके अंदर आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा होता है। तो अगर आपके पास समय कम है प्रिपरेशन के लिए या रिविजन के लिए समय कम है तो आप इस क्रैश कोर्स का यूज करके फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। डेली रात में 8:30 बजे यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही होती है, वीडियोज, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर हमारी साइड से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो भाई कोर्स की कंप्लीट डिटेल देख लिया, अब जल्दी से अपन एप्लीकेशन प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा भाई, तो आप एक बार पूरी डिटेल जो भी मैंने बात की है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं भाई। फिर आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करना है, जैसे ही आप अप्लाई फॉर दिस जॉब बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। एक बार कुछ अगर इशू आता है लोड होने में तो पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा भाई। अब यहाँ पर आपसे आपका फुल नेम मांग रहा है भाई, चलिए अपन फुल नेम एंटर कर देते हैं। ईमेल आईडी मांगी जा रही है, चलिए भाई एक काम करते हैं ईमेल आईडी अपन मेंशन कर देते हैं, वेरी गुड। आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, उसके लिए कंट्री कोड में आप इंडिया टाइप कीजिएगा, +91 कंट्री कोड आ जाएगा, फ़ोन नंबर आप टाइप कर दीजिएगा। बेटा ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, मैं रैंडमली टाइप कर रहा हूँ तो कृपया करके फ़ोन मत लगाइएगा। कंट्री आपसे पूछ रहा है भाई, तो यहाँ पर आप इंडिया टाइप कर दीजिएगा भाई। करंट कंपनी ऑप्शनल है, मत डालिए कुछ भी प्रेफर्ड, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप कर रखी है तो आप डाल सकते हो। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन में आपको इंडिया रिमोट ही डालना पड़ेगा भाई, ठीक है। जैसे आप इंडिया रिमोट डालोगे तो कंसिडर मी फॉर ऑल अवेलेबल लोकेशन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। शो अस योर वर्क, आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना CV जो है वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं भाई, बिल्कुल अटैच कीजिएगा, राइट, वेरी गुड। मैं अपना CV PDF फॉर्मेट में अटैच कर देता हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद आप अपना LinkedIn प्रोफाइल का लिंक भी डाल सकते हो, अपना GitHub या पोर्टफोलियो का लिंक डाल सकते हो, या तो आप एक PDF बना सकते हो जिसमें अपने सारे सर्टिफिकेशंस मेंशन कर सकते हो, और उस PDF का Google ड्राइव लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो आपको जो भी लिंक्स यहाँ पर एम्बेड करनी है, आपने कोई वेबसाइट बनाई उसका लिंक डालना है तो वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। आपको आपका जेंडर पूछा जा रहा है वो मेंशन कर दीजिए, एथनिसिटी ऑप्शनल है भाई, अगर मेंशन करना हो तो कर दीजिए, नहीं करना मत करिए। वैसे हम इंडियंस जो है वो एशियन में आते हैं, तो एशियन देख लीजिए, इंडियन तो होगा नहीं आई थिंक, बिकॉज यस एशियन में आते हैं हम, तो हम एशियन मेंशन कर देंगे भाई। उसके अलावा डू यू नीड वीज़ा और वर्क परमिट टू वर्क इन इंडिया, नहीं भाई आई डोंट नो वीज़ा, आई हैव द वर्किंग राइट, ठीक है। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, इफ सो देन व्हाट इज योर प्रोफिशिएंसी लेवल, इंग्लिश कितने अच्छे से आती है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस या फ्लुएंट, भाई मुझे एडवांस लेवल की आती है, तो आप एडवांस ही डालिए बिकॉज ये जॉब में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एडवांस डाल दीजिए, सीख लेंगे यार, टाइम आएगा। वी आर ऑफरिंग यू अ सैलरी बिटवीन 4.8 to 5.1 lakh पैकेज, आर यू ओके विद इट, यस। नोटिस पीरियड आपका क्या है भाई, 0 डालना है आपको इसमें।
ठीक है, आर यू ओपन टू वर्क इन शिफ्ट्स, क्या आप नाइट शिफ्ट एंड वीकेंड शिफ्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपको यस डालना पड़ेगा, नो डालोगे तो आपको यहाँ पर कॉल नहीं आएगा उनकी तरफ से, ठीक है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट इट, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, अदर डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। हैव वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस इवेंट, क्या मिले हैं हम कॉन्फ्रेंस इवेंट में? भाई ये ऑप्शनल है भाई, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस और KYC? भाई कोई अगर एक्सपीरियंस है तो यस फिल करिएगा, नहीं है तो नो फिल करिए। आई एम नॉट अ रोबोट पर आप क्लिक करिएगा भाई, इसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन आ जाएगा और बोला है कि भाई कंफर्मेशन ईमेल आपको जल्दी ही रिसीव होगा। तो अपन जल्दी से जीमेल पर आ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन ईमेल जो है वो हमको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये दूसरी ईमेल आईडी खुली हुई है, जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है भाई, वो ईमेल आईडी मैं एक बार खोल देता हूँ भाई। तो डेफिनेटली मुझे कंफर्मेशन ईमेल जो है वो रिसीव होने वाला है, अगर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आपको ईमेल रिसीव होगा, लेकिन 100% रिसीव आपको ईमेल होने वाला है, ठीक है। तो भाई देखिए, अभी मेरी प्रेजेंट आईडी पर कोई भी ईमेल नहीं रिसीव हुआ है, मैंने दूसरी आईडी से जो पहले अप्लाई किया था, एक बार ईमेल दिखा देता हूँ कैसा आएगा। तो मुझे भी पहली बार भी 15 मिनट बाद ईमेल आया हुआ था, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल जो है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पर देखिए ईमेल ये आ जाएगा, Revolut Recruitment, Hi Yashjin, thank you for your interest in Revolut. We wanted to let you know that we have received your application and we are delighted that you would consider joining our team. Our team will review your application. तो आपका पहले रिज्यूम वगैरह चेक किया जाएगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन हमारी नीड को यू नो फुलफिल करती है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। बच्चों अप्लाई करिएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और भाई अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट रखिए। मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स आप परचेस करिए एंड अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशन लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए। इतने डिटेल में मैं जॉब नोटिफिकेशन बना रहा हूँ तो एक कमेंट करना तो बनता है, तो कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। भगवान आप सभी को खुश रखे।